स्टेट के हिसाब से, जिस तरह आर्मी में क्लर्क्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इस तरह इनकी मेन की पासिंग आउट होगी। और दूसरा पेरेगल की अगर बात की जाए मिलिट्री पुलिस की, तो शायद कुछ सेक्टर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज अब सब भाइयों के लिए एक और स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ, जो तमाम लोग के क्वेश्चन थे, मिलिट्री पुलिस पाक आर्मी में इनका क्या काम होता है, इसके क्या रैंक्स होते हैं, इनकी ड्यूटी कितनी होती है, इनकी तनख्वाह कितनी होती है, तमाम दर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और इनके पिछले बैच की पासिंग आउट कब होगी, और इस दफ़ा इनकी मेडिकल और ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आप किस चीज़ को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कम से कम उस पोस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। मिलिट्री पुलिस की जो बेसिक्स तनख्वाह होती है, जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, तो कम से कम आपकी 16 से लेकर 17,000 के आसपास होगी। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आपकी तनख्वाह 22-25 तक बढ़ जाती है। और ट्रेनिंग के जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, तो इस दौरान आपके अलाउंस वगैरह लग रहे होते हैं, क्योंकि जो अभी हुआ है बजट ना, तो उसको अगर मतलब मेल के, तो तकरीबन ट्रेनिंग के दौरान आपकी 16-17,000 पहुँच जाती है, ठीक है ना। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होती जाएगी, बिल्कुल इसी तरह आपकी जो तनख्वाही वो बढ़ती जाएगी, और जैसे ट्रेनिंग के एंड तक आप जाएंगे, तो आपकी सैलरी 25 तक हो जाएगी। अगर बजट लग जाता है अच्छा 3-4 हज़ार, तो आपकी तनख्वाह तकरीबन 30,000, मतलब 29-29-30 हज़ार तक तनख्वाह आपकी मतलब बढ़ जाती है बजट के साथ, ठीक है ना। तो अगर रैंक की बात करें, तो ये तकरीबन सूबेदार मेजर तक जा सकते हैं। अगर क्लासेस फर्दर लें, तो इनको अच्छी, अगर इनकी काबिलियत अच्छी है, तो इनको मतलब अच्छे से अच्छे एजाजात भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर फैसिलिटी की बात की जाए, तो इनको खाना भी मुहैया किया जाता है, जगह भी मुहैया की जाती है, मेडिकल इनका फ्री होता है, इनके मतलब पूरी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, और मतलब इनके रैंक के हिसाब से इनको मतलब प्लॉटिंग भी मिलती है, अच्छी अच्छी जगह भी मिलती है, ठीक है। लेकिन वो फिर रैंक के हिसाब से बात की जाती है, बाकी खाना फ्री दिया जाता है, मेडिकल फ्री होता है, और क्वार्टर अगर फैमिली के साथ रहना चाहे तो वो भी दिया जाता है, ठीक है, मिलिट्री पुलिस को। तो ये हैं इनकी सहूलियात, और इसके साथ साथ इनके पास जो अच्छी फैसिलिटी, वो फॉरन भी ये लोग जा सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं मिलिट्री पुलिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनकी ड्यूटी की बात करूँ, तो इनकी जो बेसिक ड्यूटी होती है, वो होती है ट्रैफिक को संभालना। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइम मिनिस्टर से कैंट में आ रहे हैं, या कोई दूसरा गेस्ट आ रहा है कैंट में, तो वहाँ पर जो AP प्रोटोकॉल देना होता है, वो मिलिट्री पुलिस का काम होता है, ठीक है ना। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी लॉ अप्लाई होता है, मतलब आर्मी के ऊपर कैंट के अंदर, तो वो इन लोगों का काम होता है, लोगों को बताना, उनको समझाना, उनको कहना कि इस चीज़ के ऊपर आपने अमल करना होता है, ठीक है ना। तो ये इनका होता है डिप्टी का निज़ाम, मतलब इनकी डिप्टी जो होती है अच्छी होती है, इतनी साफ डिप्टी इनकी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि कैंट के अंदर ही अंदर ही होते हैं। मिलिट्री पुलिस की बेसिक्स ट्रेनिंग जो होती है, वो 6 मंथ होती है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में इनकी ट्रेनिंग भी डेरा गाजी खान में होती है 6 मंथ का, तो उसके बाद उनके ट्रेड के हिसाब के उनके क्लासेस होते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है तकरीबन वो फिर 9 मंथ तक चली जाती है, 9 महीने तक, ठीक है ना। तो मतलब इनके ट्रेनिंग जो होता है तकरीबन 7 से लेकर 6 महीने 8 महीने, फिर क्लासेस के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, जिस तरह आर्मी में क्लर्क्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इस तरह इनके फिर मतलब फर्दर में फिर ट्रेड्स होते हैं, तो वो फिर ट्रेड के हिसाब से पता चलता है कि ट्रेड वाले कितने उनको लेट करते हैं। तो तकरीबन 9 महीनों से ज़्यादा इनको लेट नहीं करते, 9 महीने से पहले इनको इनकी पासिंग आउट हो जाती है। मिलिट्री पुलिस की पासिंग आउट ये तकरीबन सितंबर के मंथ में हो सकती है, और न्यू बैच को सितंबर से अक्टूबर के दरमियान न्यू बैच को कॉल मैसेज करके उनको बुलवा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो मिलिट्री पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये मतलब अगर 1 मंथ लेट हो जाए, लेकिन सितंबर, ये मतलब इसी साल में इनकी पासिंग आउट होगी, और दूसरा बैच जो होगा वो चला जाएगा ट्रेनिंग पर। मेडिकल की अगर बात की जाए मिलिट्री पुलिस की, तो 1-2 सेंटर की मेडिकल स्टार्ट भी है, ठीक है ना। और हो सकता है इसी महीने में, मतलब अगस्त के महीने में इनको कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी आ सकती है मेडिकल के लिए। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलिट्री पुलिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी कोई हो, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। विद इन 24 आवर, जिस तरह मैं फ्री होता हूँ, इंशाल्लाह फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल मिलिट्री पुलिस कैंडिडेट्स।